नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की मुहिम आम जन की आवाज अभियान में आज युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज खान ने ग्राम पंचायत टेकाड़ी में किसान व मजदूर भाइयों से मुलाकात की और किसान व मजदूरों को हो रही परेशानियों से प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग की कि किसान भाइयों मजदूरों को हो रही दिक्कतों को संज्ञान में लेकर किसानों की कर्ज माफी की जाए, मजदूरों को 200 रुपए का प्रतिदिन का भुगतान किया जाए, जरूरतमंदों को राशन मिलने व पूर्व में चल रही 100 रुपये 100 यूनिट बिजली योजना को भी सुचारू करने हेतु मध्य प्रदेश शासन से मांग की गई जाएगा, मगर इनकी समस्या है बहुत। और माननीय श्री कमलनाथ जी की जो सरकार थी, जिसने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का जो वादा किया था और उन्हें निभाया और उसको चलाया, तो ये सरकार ने आने के बाद उस योजना को बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि फिर से वो योजना को लागू की जाए। किसानों की जो समस्या है, जो उनकी खरीदी केंद्र में जो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, वो उसको बंद किया जाए। उनके अच्छे दामों में किसानों की धान खरीदी जाए, उनका जो बिजली बढ़ा हुआ जो बिजली बिल है वो माफ़ करा जाए, जो बच्चों के साथ जो फीस वृद्धि का जो मामला है उसको भी बंद करा जाए। आज हमारे इसी बीच में हमारे साथ ये मजदूर भाई हैं, जो ये बताएंगे कि इनके साथ क्या समस्या हो रही है, जो इनके गाँव में राशन नहीं मिल रहा है। हमारा निवेदन है जिले के कलेक्टर महोदय से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि इनकी समस्याओं को सुलझाया जाए। मैं ग्राम पंचायत टेकाड़ी से दिगलाल ठाकरे। हमारे गांव टेकाड़ी में जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से अभी तक के जो सरकार का जो नियम आया था उसमें बोला गया था कि जिसका कार्ड है और जिसका नहीं भी है कार्ड उसको भी राशन दिया जाएगा, लेकिन जो कार्ड धारक है उन्हीं को दिया गया है और जो 40-50 जो है किसान उनको नहीं दिया गया है। इस समस्या में मैंने माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी के एक आवेदन बना के ये कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी मेरे भाई बहन हैं इनको राशन वितरण किया जाए। इनको बहुत समस्या है, रोज़ जाते हैं अपन लोग डीलर के पास में, लेकिन वो बोलता है कि वहाँ पे जाते हैं वो लिखा के लेके आओ जब भी हम आपको राशन देंगे, लेकिन वहाँ भी जाते हैं पंचायत में तो वो कहता है उधर से आएगा जब दिया जाएगा। ऐसे करके करीबन महीना दो महीने से हम लोग भटक रहे हैं राशन के लिए, अभी तक राशन नहीं मिल पाया। तो मेरा निवेदन है कलेक्टर महोदय जी से कि जल्द से जल्द राशन दिया जाए। पिछले बार कांग्रेस सरकार में जो 100 यूनिट बिजली दे रही थी, वो इस बार भी शिवराज सिंह चौहान सरकार इस बार भी बिजली दिया जाए। और ग्राम के टेकाड़ी में बहुत से ऐसी समस्या हैं जो गरीब मजदूरों को जो सरकार ने घोषणा की थी फ्री में राशन वितरण करने के लिए, वो राशन वितरण किया जाए। राशन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को भटक रहे हैं। हमारी किसानों की यह समस्या है कि जब शासन के रेट हैं, शासन ने रेट पे धान खरीदी करना चाहिए मंडी पे, और ये जो रेट साहूकार लोग हैं ये तो किसानों के मरे रेट पे धान ले रहे हैं, 1200-1300 में धान ले रहे हैं, तो ऐसे में किसानों का कैसे भला होगा। 2022 हमारा निवेदन है कि जो सरकार सामने है ये सरकार उस पर गौर करें और उससे ध्यान दे किसानों पर। और जो बिजली बिल है, बिजली बिल का सवाल है कि बिजली बिल 100 रुपये का तो था हमारी पिछली सरकार का, ये सरकार उसको बढ़ा के दे रही है, ऐसे में तो गरीब मर जाएगा। अब ये 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये न लोगों के घर में खाने को है, न चावल है, न ठिकाने का राशन है। अब जिसको कार में मिल गया तो ठीक है, जिसका नैया बेचारा बाएँ में भटक रहा है, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा गरीबों का। और गरीबों की सरकार बोलते हैं, ये कैसी गरीबी की सरकार है। तो ये सरकार पे सरकार का चाहिए कि गरीबों ध्यान दे और इसका गरीबों का काम करे। और ये जो बिल है, बिल का सवाल है, तो बिल जो सरकार पीछे दे रही थी
वही बिल को फिर से लागू करें। ये हमारा जनता कहना है, और जिसका कार्ड नहीं है, जो घर सही में गरीब है, उनका कार्ड बनना चाहिए। उनका कार्ड भी नहीं बन पाया है। मैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया कार्ड बनेगा तो पैसा लगेगा, तो ये किधर पैसा लगता है क्या लगता है वो भी नहीं मालूम गरीबों। ये सारी समस्या है गरीबों के साथ में। अब गरीब आदमी अपना घर छोड़ के काम छोड़ के जा नहीं सकता कमाने, कमाएगा कि वो ऑफिस के पीछे जाएगा, उसको ये भी पता नहीं कि अधिकारी कहाँ बैठता है, कौन अधिकारी कहाँ रहता है, जनपद में रहता है कि कहाँ बनता है कार्ड, कहाँ नहीं बनता, ये भी पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। आज आम जन आवाज का जो कार्यक्रम है, हमारा निवेदन है कि यूथ कांग्रेस बालाघाट द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, ये चलाया जा रहा है, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई नितिन भोज जी, और सभी यूथ कांग्रेस की टीम की तरफ से हम यह निवेदन करते हैं कि जितनी भी समस्याएं किसानों की, बढ़ते बिजली दामों की, और ये जो मजदूर लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, हम चाहते हैं कि इनको या तो इनके राशन कार्ड बनाया जाए या इन्हें बिना राशन कार्ड के ही राशन वितरण किया जाए। नमस्कार।